सूरत के लिम्बायत में बदमाश चोर लुटेरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लिम्बायत इलाके के लोगों का अपने घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। बदमाश गुंडों को जैसे शहर पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया हो, ऐसे सूरत के लिम्बायत इलाके में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं और सूरत के लिम्बायत इलाके को क्राइम करने का गढ़ एरिया बनाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि सूरत के लिम्बायत इलाके के निवासी अतीउल्ला भाई मियाँ, जो छोटा मोटा मजदूरी काम करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, अतीउल्ला भाई गत रोज पैदल चलकर अपने किसी मित्र के यहाँ कुछ काम से जा रहे थे। तभी लिम्बायत गोडादरा इलाके के आरडी फाटक के पास स्थित आकार सोसाइटी के तीन रस्ते पर पहुंचे, तभी तीन अनजान शख्स उनके पास आए और अतीउल्ला भाई को धारदार हथियार से डरा धमका कर कहने लगे कि तुम्हारे पास जो भी पैसा या मोबाइल हो वो सामान हमें दे दो। अतीउल्ला भाई ने कहा कि मेरे पास ना तो पैसे है और ना ही मोबाइल फोन है जो मैं तुम्हें दे दूं। तो इस बात पर वो तीन बदमाश अतीउल्ला भाई पर धारदार हथियार से वार कर उन पर हमला करके वहां से फरार हो गए। अतीउल्ला भाई ने लिम्बायत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जाँच लिम्बायत पुलिस ने शुरू की है। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम 7 न्यूज़, सूरत।